चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग 7 अध्याय अभी खत्म कर चुके हैं, 8वें अध्याय के बारे में बात करनी है हमें। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। तो समय रहते हुए आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस अध्याय में बात करेंगे गति के बारे में, किसके गति मोशन। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिरा और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यही सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर यानी कि स्थायी हो सकती है। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। इसे आपने अपने दैनिक जीवनचर्या में भी फील किया होगा, जब आप गाड़ी या फिर किसी इस तरह की बंद में बैठते हैं, जैसे कार हो गई, ट्रेन हो गई, तो हमें पेड़ पौधे इस तरह की जो भी वस्तुएं चलती हैं वो गतिमान दिखाई देती हैं। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ साथ यात्रियों को भी गति करते हुए देख पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है, ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वित्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिसमें एक अक्षा क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे और बाद में हम वित्तीय गति के साथ के गति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप 8.1 देखते हैं। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या प्रगति में, चर्चा कर सकते हैं। क्रियाकलाप 8.2, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचार को आदान प्रदान करें, सोचकर भरें, सोचकर करें। हम सभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषकर यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़, बाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं? क्या वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना, उन्हें नियंत्रित करने के लिए विषय में जानना आवश्यक है? एक बात आप लोग हमेशा समझिए कि इस चैप्टर में जो भी किताबें एनसीईआरटी लिखी गई हैं बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई, इसमें कोई ऐसा भी शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके। बस आप अच्छे धैर्य के साथ पढ़िए और लास्ट में इसका निष्कर्ष बता दिया जाता है। जो भी लास्ट इसका इस पार्ट को पढ़ने का उद्देश्य था आपका, वो लास्ट में बता दिया जाता है। तो आप ज्यादा परेशान मत हुआ करिएगा, आराम से सुनिएगा और बढ़ते जाइएगा। और कोई भी क्रियाकलाप दिया हो उसे आप पढ़ना है केवल, आपको करते नहीं बैठ जाना है। मालूम चला कि 2 से 4 साल इसी क्रियाकलाप में बिता दिए आपने। गति का वर्णन, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपने सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। फिर सरल रेखीय गति, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हम सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना
सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। और माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए बी सी वस्तुओं की स्थिति को प्रदर्शित करती है। पहले यह सी और बी से गुजरती है और ए पर पहुंचती है। इसके पास यह उसी पथ पर लौटती हुए बी से होते हुए गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। वस्तुओं के द्वारा तय की गई दूरी ओ ए प्लस ए सी अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर यानी कि 95 किलोमीटर इस तरह से दोनों को जोड़कर हो जाएगी। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप देख रहे होंगे किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति सीधी सरल रेखा पर, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता होती है ना कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु को प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यदि यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें। 0 से 1 तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इस तरह से 85 किलोमीटर होती है, जबकि विस्थापन का परिमाण होता है 35 किलोमीटर। कितना? 35। इसके लिए विस्थापन का परिणाम 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु वह तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी आपकी ओ ए प्लस ए ओ मतलब 120 किलोमीटर हो जाती है। इस प्रकार से आप यहां से यहां तक जाएंगे 60 किलोमीटर, फिर वापसी ओ तक आएंगे 60 किलोमीटर, ठीक। इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियां दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को करने में तथा किए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप देखिए 8.3। एक मीटर स्क्वायर और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं देख सकते हैं। 8.4। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडोमीटर कहते हैं। आप इसे भी याद रख सकते हैं कि जो वाहनों की गति मापने का यंत्र होता है उसे ऑडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ऑडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर होता है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर नई दिल्ली के बीच के विस्थापन परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर आपने देख लिया है, उतना बेहतर है आपके लिए। इस क्रियाकलाप वो करते बैठे रहेंगे। आपने देखा होगा कि पहले एग्जाम्पल दे दिया जाता था हम लोग जब कक्षाओं में थे 10वीं 11वीं में, उसके बाद क्वेश्चंस दे दिए जाते थे, तो ये क्रियाकलाप उसी तरह के हैं। तो आप इन्हें करते मत बैठा करिए, एक से दो बार वो पढ़ेंगे खत्म कर दीजिए। एक समान गति और असमान गति, ये क्या है? माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले एक सेकेंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर और चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। यह दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या फिर पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति असमान गति के कारण के कुछ उदाहरण है। इसे आप देख सकते हैं क्रियाकलाप उसी तरह, ठीक है।
दोनों वस्तुएं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दर्शाया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तु की गति एक समान है असमान। समय हो गया वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी 9:30 सुबह के 10 मीटर ए के द्वारा और बी के द्वारा 12 मीटर। उसके बाद आप देखते हैं कि 9:45 पर 20 मीटर और 19 मीटर ए, इस तरह से 11 पे पहुंचते हैं और 70 मीटर और 44 मीटर। अब बात करते हैं गति की दर का मापन। किसकी गति की दर का मापन? चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। इसे भी आप देख रहे हैं, इसे भी देख रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि गेंद इतने की स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से ये गेंदर फेंकता है, यानी कि गेंद करने वाला इतनी स्पीड से फेंकता है गेंद को। चित्र 8.2A में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसका क्या अर्थ है? चित्र 8.2B में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। इनमें से कुछ तेज चलती हैं और कुछ धीमी चलती हैं। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। किससे? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति आप लोग दर प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जो राशि निकलती है इसे चाल कहते हैं। चाल का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, या MS-1 चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ये सभी आपके चाल के ही मात्रक हैं। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं आसमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल तय की गई दूरी कुल दूरी कुल समयावधि। यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल वी अप बराबर एस टी होगी। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में 100। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चल रही होगी। बीच में आपने देखा होगा कि इसका सीधा सा मतलब औसत का ये समझिए आप, कि आपने सुना होगा कि औसत आयु इतनी है, औसत है। आपने देखा होगा कोई 80 साल जो जी रहा है, कोई 20 साल जी रहा है, कोई 25 साल जी रहा है, तो हम हर किसी की उम्र नहीं निकाल सकते हैं। और हमें देश के लिए एक निर्धारित उम्र चाहिए होती है कि औसत उम्र इतना जीता है व्यक्ति। तो आप समझ रहे हैं कि एक 120 साल जी रहा है तो सबकी एक कॉमन निकाल ली जाती है, यानी कि सबकी आयु को जोड़कर व्यक्तियों का भाग देकर टोटल निकल आएगी औसत। तो यही करते हैं इसमें भी। आपने देखा होगा कि 50 किलोमीटर 1-2 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, कहीं धीमी हो रही होगी, कहीं चाल बढ़ रही होगी, कहीं फिर धीमी बढ़ रही होगी, ठीक है। कुछ समय या इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। उदाहरण के लिए एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी की बात करें तो 32 मीटर है, लिया गया कुल समय है 6 मीटर। औसत चाल इस तरह से निकालेंगे कि तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय, इस तरह से 53.533 मीटर प्रति सेकंड निकल आएगा। औसत इसकी चाल होगी आपकी 5.3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब दिशा के साथ चाल की बात करें हम लोग, तो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अतः किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, एक समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है।
जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान की ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग अपॉन अंतिम वेग अपॉन टू, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ यू ए भी औसत वेग है, यू आपका प्रारंभिक वेग हो गया, भी आपका वस्तु का अंतिम वेग हो गया। चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, एम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, चाल और वेग का दोनों का मात्रक भी समान होता है मीटर प्रति सेकंड में। ये आपके क्रियाकलाप दिए गए हैं। 8.6, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आप अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप चार औसत मतलब 4 किलोमीटर एक घंटे में चल रहे हैं, तो जितनी दूरी पर होगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह क्रियाकलाप 8.7 है, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय बाद पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे कि ऐसा क्यों होता है? इसके बीच को उसके समय अंतराल को एक डिजिटल घड़ी कलाई घड़ी या स्टॉप मैप से माप सकते हैं। आप छोड़िए इन्हें, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि आप मापते बैठे रहें। इसे देख लीजिए उदाहरण 8.2, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगे हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति हवर और मीटर प्रति सेकंड से ज्ञात कर सकते हैं। कार के द्वारा तय की गई दूरी 400 किलोमीटर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2000 किलोमीटर पहले था, उसके बाद 2400 पर पहुंच गया, तो आप 400 किलोमीटर ही तो दूरी तय की है ना। दूरी तय करने में लगा समय की बात करें तो 8 घंटे। कार की औसत चाल किस तरह से निकाल सकते हैं, 400/8 मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, इस तरह से आप मीटर सेकंड में भी बदल सकते हैं इसे। इसी तरह आप ए उदाहरण भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वेग में परिवर्तन की दर की बात करते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि आसमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी अंतराल समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा, a बराबर v माइनस u अपॉन t। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित गति। यदि त्वरण और वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समय समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलती हुई समान समांतराल में समान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। आप दैनिक जीवन में बहुत सी गतियां देखते हैं, गति की दिशा में त्वरण, त्वरण की दिशा के विरोध, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। एक उदाहरण भी दिया गया, इसे देख लीजिए। ग्रामावस्था में से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल के का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण निकालना है आपको। पहली स्थिति प्रारंभिक वेग u = 0,
अंतिम वेग भी बराबर 6.6 मीटर प्रति सेकंड, टी हो गया 30 सेकंड समय। समीकरण इस तरह से निकालना, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। इसे आप लोग यहाँ रख देना, इस तरह से निकालिए, दूसरी अवस्था निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट के मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखा ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि का पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या फिर वेग का, दूरी राशि जैसे समय पर। फिर आपका दूरी समय ग्राफ, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या फिर असमान चाल से चल रही है, विराम अवस्था में इत्यादि। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए लिए गए समय के समानुपाती होता है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जैसा कि चित्र 8.3 में आपने देखा है, ठीक है। ग्राफ का OB भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। OB क्या दर्शाता है? कि दूरी एक समान से बढ़ रही है। यदि आप बाई अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का प्रयोग कर सकते हैं। बाई अक्ष हो गया, एक एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग AB को लें। बिंदु A से एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा और बिंदु B से बाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। अब ग्राफ AC और समय अंतराल t2 - t1 को दर्शाता है, जबकि BC आपका s2 - s1 को दर्शाता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने के लिए t2 - t1 समय ले में s2 - s1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, v बराबर s2 - s1, नीचे आपका समय दिया गया है t2 - t1, ठीक है। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 में एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया गया। ये समय हो गया, ये दूरी हो गई। 2 सेकंड ये आपका मीटर में 1 मीटर, 4 सेकंड 4 मीटर, 6 सेकंड 9 मीटर, 8 सेकंड 16 मीटर, 10 सेकंड 25 मीटर, 12 सेकंड 36 मीटर। ये आप असमान चाल से गतिमान किसी कार्य की दूरी का ग्राफ बताया गया। देखिए टेढ़ा बेढ़ा कार्य की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी को आरेखित परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.3 दिखाया गया है कि असमान चाल को व्यक्त करता है ग्राफ। फिर आपका वेग समय ग्राफ, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। इस तरह से एक समान चाल से गतिमान किसी कार्य का वेग समय ग्राफ, ये आपका समय है, देख रहे होंगे वेग किलोमीटर में ऊपर प्रति घंटे, और ये आपका समय हो गया, ठीक है, घंटे में। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया गया। यदि वस्तु एक समान वेग से गति मान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो चित्र 8.3 में एक कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है।
वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन परिमाण के बराबर होता है। चित्र 8.5 से T1 से T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंबे खींचे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग की ऊंचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, S बराबर AC इंटू CD। आपका ये हो गया 40 के किलोमीटर प्रति घंटे इंटू समय हो गया T2 माइनस T1 कोष्ठबंध H घंटे हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों में m यानी कि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा की में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये समय हो गया कार का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड। 0 सेकंड पर 0.0 है तो 5 सेकंड में 2.5 मीटर, ये आपका 9 किलोमीटर। 10 सेकंड में 5 मीटर और ये आपका 18 किलोमीटर। इस तरह से देख सकते हैं। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समय समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार की सभी एक समान त्वरित गतियों के वेग के लिए वेग समय ग्राफ सीधी होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक समान त्वरित गति में से गतिमान किसी कार का समय वेग समय ग्राफ है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन की परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 8.6 में दर्शाए गए चित्र क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। चूंकि कार वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, कार के द्वारा तय की गई दूरी S है और वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित क्षेत्र ये आपका ABCD है द्वारा व्यक्त किया गया। S बराबर ABCD का क्षेत्रफल हो गया है, आयात ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। इस तरह से AB इंटू BC प्लस 1/2 पर AD इंटू DE। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र 8.7 A के वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र 8.7B में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। इसमें आप देख रहे होंगे कि घट रहा है, ये समय हो गया एक वेग, ठीक है, और नीचे जो है असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग ग्राफ समय ग्राफ को दर्शा रहा है। ये पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। क्रियाकलाप को देख लीजिए 8.9 को। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशन ABC पर आगमन और प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन ए से स्टेशन बी और सी की दूरी सारणी 8.4 में दी गई। ए स्टेशन ABC की दूरी तथा ट्रेन के आगमन व प्रस्थान करने का समय स्टेशन हो गया, ए से दूरी, आगमन का समय घंटे में, प्रस्थान का समय घंटे में। ए 0 ए 8 बजे 8:15 पर प्रस्थान, आगमन 8 पर 8:15 पर प्रस्थान होता है। बी में 120 किलोमीटर दूरी ए से और 11:15 पर आगमन होता है, 11:30 पर ये चलती है। सी में 180 किलोमीटर ए से दूरी और ये आपका 13 यानी कि 1:00 सुबह दिन में 1:01 आती है और 1:15 पर निकल जाती है। आप देखते हैं रेलवे में आपका 24 घंटा गिना जाता है, जब आप देखते हैं तो कई बार 16:10 पर ट्रेन आ रही होती है, यानी कि 24 घंटा पूरा गिना जाता है, उसमें AM PM का यूज नहीं करते। क्रियाकलाप 8.10 को भी देख सकते हैं। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सारणी 8.3 में दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाते हैं। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचने कर व्याख्या कर सकते हैं।
एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, फिरोज के द्वारा तय की गई दूरी और सानिया के द्वारा तय की गई, देख रहे हैं यहाँ 1 किलोमीटर और यहाँ 0.8 किलोमीटर, 800 मीटर। आप समझते हैं कि मतलब कोई तेज चला रहा है, कोई धीमा चला रहा है गाड़ी साइकिल, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं ना अंदाजा कि कोई, आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाती है, किसी की 2 घंटे में, किसी की 3 घंटे में, तो आपकी गाड़ी पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है कि किस गति से आप उसे चलाते हैं। धीमा ही चलाया करिएगा, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से पहुंच जाए। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग और गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT² 2AS V² U² जहां यू आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग है, टी समय के लिए एक समान त्वरण ए से चलती है, भी आपका अंतिम वेग तथा टी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस है। समीकरण 8.5 वेग समय में संबंध व्यक्त करती है, समीकरण 8.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, और 8 सभी समीकरण दिए गए ना, समीकरण 8.7 को जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध प्रकट करती है। जैसे समीकरण 8.5 और 8.6 से टी को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है, इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं वेग समय संबंध के लिए एक समीकरण, कोई वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को लें, जैसा कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित है, चित्र 8.6 के समकक्ष किंतु अब यू बराबर 0 है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग यू बिंदु ए पर और यह टी समय में बढ़कर भी यानी कि बी पर हो जाता है, वेग एक समान दर ए के साथ परिवर्तित होता है। चित्र 8.8 में बिंदु बी से 2 लंब बीसी और बी क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे जाते हैं, प्रारंभिक वेग ओ ए के द्वारा, अंतिम वेग बीसी के द्वारा तथा समय अंतराल टी बराबर ओ सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बीसी बी डी बराबर सी बी सी माइनस सी डी समय अंतराल टी में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब ओसी के समय समानांतर एडी रेखा खींची, ग्राफ से हम क्या पाते हैं कि बीसी बराबर बीडी प्लस डीसी बराबर बीडी प्लस ओए, इसमें आपका बीसी बराबर वी और ओए बराबर यू रखने पर हम पाते हैं कि बी बराबर बीडी प्लस यू, बीडी बराबर यू माइनस सॉरी बी माइनस यू, ये 8वां समीकरण 8.8 बन गया। इसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपका समय हो गया इस तरफ, ये आपका वेग हो गया प्रति सेकंड में, यहाँ आप देख रहे हैं ए हो गया आपका, ए बी हो गया, डी और ई उसके बाद ए सी, ए ओ हो गया आपका, ए यू रे आपका बी हो गया, ठीक है। वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त करता है। 8 पॉइंट ए बराबर वेग में परिवर्तन लिया गया समय, ए अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी बराबर बी डी अपॉन बी सी ओ बी सी, ओ सी आपका टी रखने पर हम पाते हैं कि ए बराबर बी डी अपॉन टी या फिर बी डी अपॉन ए टी। समीकरण 8.8 और 8.9 से हम पाते हैं कि बी बराबर यू प्लस ए टी, इसे ही हमें जानना था। अब बात करते हैं समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण ए से टी समय में एस दूरी तय की है, चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे धीरे नीचे गिरे चित ओ बी ओ ए बी सी के द्वारा ए आपके ए बी सी और ये हो गया द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एस निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती है, एस बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो एक समलंब है, नीचे आयत ओ ए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी टी का क्षेत्रफल। यहाँ ओ ए हो गया ओ सी हो गया प्लस 1/2 ए इंटू डी इंटू बी डी, ए 8.10 यानी कि समीकरण बन चुका है। ओ ए बराबर यू है, ओ सी बराबर ए डी है बराबर टी, बी डी बराबर ए टी मान रखने पर हम पाते हैं कि एस बराबर यू इंटू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी
इस तरह से आप निकालेंगे कि s बराबर ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर ये निकल आता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेग स्थिति के संबंध के लिए समीकरण। चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OBCD OBC द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया, अर्थात s बराबर समलंब OABC का क्षेत्रफल बराबर OA प्लस BC इंटू OC अपॉन टू OA बराबर U BC बराबर V OC OC बराबर T रखने पर हम पाते हैं कि s बराबर U प्लस B कोष्ठक बन T अपॉन टू। ये आपका 8.11 यानी कि 8.11 समीकरण हो गया। वेग समय संबंध समीकरण 8.6 से हम पाते हैं कि T बराबर U V माइनस U अपॉन A, ये आपका 12वां समीकरण बन जाता है। समीकरण 8.11 और समीकरण 8.12 से हम पाते हैं कि S बराबर B प्लस U इंटू B माइनस U एक कोष्टक में अपॉन टू, इससे आप 2A यहाँ चला जाएगा और इनका दोनों का इंटू यानी कि गुणा कर देंगे तो आप इस तरह से पा लेंगे। ठीक है, अब इस उदाहरण को देख सकते हैं। एक रेलगाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए कि त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी तय की गई दूरी क्या है। दिया गया है u बराबर 0, v बराबर 72 किलोमीटर दूरी हो गई एक घंटे में, बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, t बराबर 5 मिनट हो गए। ठीक है, समय यानी कि 300 सेकंड। समीकरण 8.5 से हम पाते हैं कि a बराबर b माइनस यू अपॉन टी, यहाँ ये सभी आप लोग पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे और इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसी तरह हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2as u बराबर b बराबर u बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और 0 u का यार क्या था आपका 0 था, b स्क्वायर b आप यहाँ a रख देंगे। इस तरह से 3 किलोमीटर रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 ms स्क्वायर तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर होगी। इसी तरह इसे भी देख लें आप लोग, पीडीएफ लेकर एक दो बार इसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आपका है एक समान वित्तीय गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या फिर गति की दिशा या फिर दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती वस्तु परंतु अपने वस्तु की गति गति की दिशा को बदलती। किसी पथ बंद पथ पर मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें, चित्र 8.9a में। किसी एथलीट यानी कि धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदेश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भाग ABC CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। आप अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह सीधा से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में से उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के लिए दौरान उसकी 4 बार अपनी गति की दिशा को बदलना होगा उसे। यह आपका आयताकार पथ हो गया ABCD, यह आपका षटकोणीय पथ हो गया ABCDEF, ये आपका अष्टकोणीय हो गया ABCDEFGH, ये आपका वित्तीय पथ हो गया गोल। ठीक है, एक एथलीट धावक की विभिन्न आकृतियों के पथ बंद पथ पर गति की बात करें। अब मान लें कि एक एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ यानी कि ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, तो जैसा कि चित्र 8.9b में यानी कि इस तरह से बी में प्रदर्शित है कि इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षट भुजाकार ना होकर सम अष्ट भुजाकार है, पथ ABCDEFGH हो तो क्या होगा, इसे 8 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यह देखा कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हमने अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा हो, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी।
पद का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वित्तीय पद पर नियमित परिमाण वाली वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वेग वित्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या आर वाली वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। अगर एथलीट आर त्रिज्या वाली वित्तीय पथ पर का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है तो वेग बी बराबर 2 पाई आर अपॉन टी, ये 8.13 यानी कि 8.13 आपका समीकरण हो जाता है। जब एक वस्तु वित्तीय रास्ते का एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति की को एक समान वित्तीय कहा जाता है। अब क्रियाकलाप 8.11 को यानी कि 8.11 को देख सकते हैं। एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांधें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वित्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, चित्र 8.10 की तरह। इस तरह से बचपन में आपने किया भी होगा, इस तरह के मजे भी करते रहते थे। पत्थर आपका नियत परिमाण के वेग से वित्तीय पथ को यानी कि वृत्त के आकार में घूमेगा। अब पत्थर से धागे को छोड़ दें, क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वित्तीय पथ की अलग अलग जगहों के से पत्थर को छोड़ें और यह देखने कि पत्थर गति करने की दिशा समान है या कम। इसे आप भूल जाइए क्योंकि आप इतना मत पढ़ा करिएगा, आपको बस क्रियाकलाप को पढ़ना है, नीचे निकल जाना है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वित्तीय पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा होता है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वित्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्के यानी कि डिस्क्रस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसकी वित्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या फिर चक उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा है था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप हम लोगों ने पत्थर वाली स्थिति देखी है ना, उसी तरह वस्तुओं के एक समान वित्तीय गति के बहुत से चिरपरिचित उदाहरण है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वित्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुए एक उपग्रह, वित्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, ये सभी इसी की वित्तीय गति की उदाहरण हो सकते हैं एक समान वित्तीय गति के। तो आपने क्या सीखा है इसमें? इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य क्या था आपका? स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी और या विस्थापन के रूप में की जाती है। एक वस्तु की गति का सामान या फिर असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या फिर बदल रहा है। प्रति इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु के समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के द्वारा कर सकते हैं, इस तरह से बी बराबर यू प्लस ए टी, एस आपका यू टी प्लस 1/2 AT² 2AS V² यू। यहाँ आप देखेंगे कि यू जो यू है आपका ये प्रारंभिक वेग है वस्तु का, जो टी है आपका टी समय के लिए एक समान त्वरण ए से गति करता है, इसका जो अंतिम वेग है वी है, टी समय में तय की गई दूरी एस है। अगर कोई वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वित्तीय गति हम लोग कह सकते हैं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग लगाते रहिए और आपकी जो भी PDF होती है सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए और जब भी टाइम मिलता है तो उससे भी एक आध दो बार पढ़ लीजिए, बस निकल जाइए। तो इस तरह आपका ये 8वां अध्याय खत्म होता है। 9वें अध्याय में हम लोग बात करेंगे बल तथा गति के नियम के बारे में, ठीक है।